अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल जी। मैं जो अब ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो फंड्स हैं वो अपने ट्रेड अकाउंट या जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसमें कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा ये पर्सनल अकाउंट जो है वो ओपन है, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप फंड्स वगैरह कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट है, मैं बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका कहाँ से ओपन होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से रियाद कैपिटल को ओपन करना है, इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन होगा आपके अकाउंट में। और अभी चलता हूँ ट्रांसफ़र में। ट्रांसफ़र में मैंने बनाया हुआ है, इसको बेनिफिशियरी लिस्ट है मेरे पास, यहाँ पर कैपिटल रियाद जो है वो ऑलरेडी अकाउंट मेरे पास सेव है, वहाँ पे मेरे पास ये अकाउंट होगा तो ये सेव है उसके अंदर। तो इसमें सेम है, यानी जब जैसे भी आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो वहाँ से आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। तो मैं मेक अ पेमेंट करता हूँ, मेक अ पेमेंट करके मैं यहाँ से अपना वो मुझे अकाउंट बता रहा है ये अकाउंट है, ये बेनिफिशियरी नेम वगैरह, ये अकाउंट नंबर, मैं ओके करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी अमाउंट लिखता हूँ, सिंपल सी अमाउंट लिखता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 20 रियाल लिख लेता हूँ, 20 रियाल मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ उधर। और यहाँ पर रीज़न जो है वो देनी होती है, रीज़न में आप देख लें यहाँ पर कोई भी रीज़न दें, वरना यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट और जो शेयर्स परचेज है वो रीज़न यहाँ से मैं ले रहा हूँ। इसको इधर से नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अभी वो मुझे बता रहा है कि ये अकाउंट से आपके पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें कोई टैक्स या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ये सब यहाँ से ओके करके आप इसको कन्फर्म कर देंगे। जब कन्फर्म कर दिया तो ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अभी इस चीज़ को देखने के लिए हम वापस चलते हैं जी अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। जो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है मेरा, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा मार्केट का बता दूं मैं यहाँ पर कि मेरे जो अभी है ये पूरे का पूरा जो मेरा पोर्टफोलियो है वो प्लस में जा रहा है, प्लस आलमोस्ट 50 रियाल। तो मैं जब रियाद उधर जाता हूँ अपने कैपिटल में ओपन करता हूँ, तो यहाँ मुझे एक्टिवेशन कोड आएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, वो मुझे यहाँ पर इंटर करना है। वो मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद जब वेरीफाई कोड किया तो मैं अपने अकाउंट में आ गया। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है 25.55, यानी 20 रियाल मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड किए। तो मैं आपको व्यू डिटेल में बता देता हूँ कि ये 20 रियाल शो कर रहा है, जो कि ये 30/11 को, यानी आज जो डेट है उस डेट को ये हो गए। तो अभी मुझे यहाँ से ये कैश जो है वो ट्रांसफ़र करनी है उधर। तो उससे पहले एक दफ़ा मेरा पोर्टफोलियो यहाँ से देख लें। यहाँ पर जो मैंने शेयर्स खरीदे हुए थे रियाद बैंक, नेशनल पेट्रोकेमिकल, सऊदी अरेबियन और अल बिलाद का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे इस टाइम प्लस में हैं। और मुझे चाहिए तो ये है कि मुझे इसमें इस टाइम पे और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने जो अकाउंट बनाया था जस्ट आप लोगों को बताने के लिए अकाउंट बनाया था कि उसको कि कैसे इसमें हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, बड़ी मेरा रियल अकाउंट है जिस पे वर्किंग हो रही है। तो अभी हम अपनी ट्रांसफ़र जो पेमेंट है उस ट्रांसफ़र की तरफ जाता हूँ मैं आपको लेके। तो यहाँ पर अकाउंट में हम जाएंगे, अकाउंट में ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इसको जब ओपन करेंगे तो इधर से वो आ जाएगा कि आपके पास बैलेंस कितना है और आप कितनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जो है अमाउंट डाल देता हूँ सेम वही जो ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा ट्रांसफ़र की थी, 20 रियाल ही करता हूँ, ताकि जो है वो सेम अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो तो पीछे 5.55 जो बैलेंस है वो शो हो जाए। तो ये 25 है और इसको वो सारी डिटेल वगैरह बता रहा है, कोई वैट है, कोई ट्रांजैक्शन फ़ी है, कुछ भी नहीं है, सब 0-0 है, क्योंकि मेरे इंटरनल ट्रांसफ़र है तो इसलिए इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसको कंफर्म ट्रांसफ़र कर दिया तो ये ट्रांसफ़र भी प्रोसीड हो चुकी है, ये अमाउंट मेरे उधर ट्रांसफ़र हो गई है और अवेलेबल बैलेंस जो है वो 5.55 है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके रिलेटेड मैं मज़ीद वीडियोस बना रहा हूँ, बनाता रहूँगा, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कोई, तो आप लोग मुझसे ज़रूर इस बारे में पूछें, मुझसे कांटेक्ट करें और मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ लें कुछ भी, और उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आपको मैं गाइड करता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। Thank you very much.